नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और आप देख रहे हैं स्मार्ट ट्रिप विद नीलम। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ दबाएं बेल आइकन ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था माता बंगलामुखी के मंदिर के बारे में, जिसे पीताम्बरा पीठ के नाम से जाना जाता है, जो कि दतिया में स्थित है। आज हम आपको बताने वाले आए हैं माता बंगलामुखी के तीन प्रमुख मंदिर, जो कि पीताम्बरा पीठ की तरह ही प्राचीन है। तो चलिए आइए चलते हैं। ॐ बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं कम्पदं स्तम्भय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ॐ स्वाहा। तब बांग्लामुखी के तीन प्रसिद्ध मंदिर हैं, जो कि दतिया मध्य प्रदेश, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश और नलखेड़ा जिला शाजापुर मध्य प्रदेश में स्थित है। इन तीनों ही मंदिरों का अलग अलग महत्व है। चलिए आइए हम बताते हैं आपको इन मंदिरों के बारे में। इनमें सबसे पहला मंदिर है बांग्लामुखी देवी, नलखेड़ा शाजापुर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में तीन मुखों वाली त्रिशक्ति माता बांग्लामुखी का ये मंदिर शाजापुरा तहसील नलखेड़ा में लोखंडा नदी के किनारे स्थित है। द्वापर युगीन ये मंदिर अत्यंत चमत्कारिक है। यहाँ देश भर से शैव और शक्त मार्गी साधु संत तांत्रिक अनुष्ठान के लिए आते हैं। इस मंदिर की स्थापना महाभारत में विजय पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के निर्देश पर महाराज युधिष्ठिर ने की थी। मान्यता है कि यहाँ पर जो माता बांग्लामुखी की प्रतिमा है वो स्वयंभू है। यहाँ पर पुजारी पीढ़ी दर पीढ़ी माता की पूजा करते हुए आए हैं और वर्तमान में इनकी 10वीं पीढ़ी माता की सेवा में है। 1815 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था। इस मंदिर में लोग अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए या किसी भी क्षेत्र में विजय पाने के लिए पूजा पाठ हवन यज्ञ कराने आते हैं। इस मंदिर की ये मंदिर शमशान भूमि में स्थित है। बांग्लामुखी माता मूलतः तंत्र की देवी है, इसलिए यहाँ पर तांत्रिक अनुष्ठान ज़्यादा किए जाते हैं। इस मंदिर में वेलपत्र, चंपा, सफ़ेद आकड़ा, आंवला, नीम, पीपल के वृक्ष एक साथ स्थित है। इसके आसपास अत्यंत हरा भरा और सुंदर बागीचा है, जो देखते ही बनता है। नवरात्रि में यहाँ पर भक्तों का बहुत बड़ा हुजूम लगता है। भक्त यहाँ पर दूर दूर से आते हैं और माता से अपनी मुराद मांगते हैं और पूरी होने पर दोबारा यहाँ आते हैं। ये मंदिर अत्यंत चमत्कारी और सुंदर है। माता बांग्लामुखी देवी का मंदिर। जो कि कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। माता बांग्लामुखी के मंदिर कांगड़ा जिले के प्रसिद्ध शक्तिपीठ ज्वालामुखी टेंपल से लगभग 22 किलोमीटर दूर वनखंडी नामक स्थान पर है। पूरे साल भर यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु अपनी मन्नत पूरी होने के लिए आते हैं। इस मंदिर का पूरा नाम श्री 1008 बांग्लामुखी वनखंडी मंदिर है। माना जाता है कि माता बांग्लामुखी मंदिर की स्थापना वनखंडी में द्वापर युग में पांडवों के द्वारा उनके अज्ञातवास काल के दौरान हुई थी। इस मंदिर के बन जाने के बाद अर्जुन और भीम ने युद्ध में शक्ति पाने के लिए, माता बांग्लामुखी की कृपा पाने के लिए इस मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की थी। उसी समय से लेकर आज तक इस मंदिर के प्रति लोगों की श्रद्धा और आस्था बनी हुई है। वर्ष भर असंख्य श्रद्धालु इस मंदिर में आते हैं, जो माता ज्वालामुखी, चिंतपूर्णी, नगरकोट की देवी के दर्शन करने के बाद इस मंदिर में आकर माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त इस मंदिर में एक प्राचीन शिवालय है, जिसमें आदमकद शिवलिंग स्थापित है, जहाँ पर लोग माता के दर्शन करने के बाद आते हैं और अभिषेक करते हैं। ये मंदिर द्वापर युग से आज तक श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। बांग्लामुखी देवी मंदिर, मध्य प्रदेश, दतिया। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है माता बांग्लामुखी का अनुपम और मनोहारी मंदिर। इस मंदिर के संबंध में भी महाभारत काल से माना जाता है। इसका प्रमाण यहाँ पर बना वनखंडेश्वर महादेव का मंदिर है।
स्थानीय लोगों की मान्यता है कि मुकदमे आदि के सिलसिले में माता पीताम्बरा का अनुष्ठान करने से उन्हें सफलता मिलती है। माता बंगलामुखी को राजसत्ता की देवी कहा जाता है। यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, राजमाता विजया राजे सिंधिया और ना जाने कितने ही बड़े नेता और अभिनेता आए हैं। इन सभी ने माता का आशीर्वाद प्राप्त किया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस मंदिर में कौन कौन सी बड़ी हस्तियां आ चुकी हैं तो ऊपर दिए हुए बटन पर क्लिक करें। पीताम्बरा पीठ की स्थापना एक सिद्ध संत जिन्हें लोग स्वामी जी महाराज के नाम से जानते हैं उनके द्वारा 1935 में की गई थी। श्री स्वामी जी महाराज बचपन से ही संन्यास ग्रहण कर चुके थे। इस मंदिर को संस्कृति और शिक्षा का बड़ा केंद्र माना जाता था, जहां बच्चे शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त करते थे। इस मंदिर में लोग अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, विजय प्राप्त करने के लिए यहाँ पर हवन और यज्ञ कराते थे। ये मंदिर शमशान भूमि क्षेत्र में स्थित है। बांग्लामुखी माता मूलतः तंत्र की देवी हैं, इसलिए यहाँ पर तांत्रिक अनुष्ठानों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इस मंदिर में माता धूमावती की भी एक प्राचीन मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि माता धूमावती 10 महाविदाओं में से 10वीं विदा हैं। यहाँ इनके दर्शन केवल आरती के समय ही होते हैं और हर शनिवार को इनकी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ पर भक्त दूर दूर से आते हैं। इनके प्रसाद में नमकीन वस्तुएं जैसे कचौड़ी, समोसे, मंगोड़े आदि को चढ़ाया जाता है। माता पीताम्बरा के वैभव से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भक्तों को सुख, समृद्धि और शांति मिलती है। यही वजह है कि माँ पीताम्बरा के मंदिर में भक्तगण दूर दूर से आते हैं और उनकी महिमा गाते हैं। इसी कारण यहाँ पर नेता, अभिनेता और कई बड़ी बड़ी हस्तियाँ आ चुकी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और दबाए बेल आइकन ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक।